आज का हमारा प्यारा मेहमान बिलाल डॉक्टर बनना चाहता था, तो हमने ये जो थोड़ी सी कोशिश की कि हम उसे लेकर जाएं हॉस्पिटल में और पूरा एक ऐसा माहौल दें कि वाकई जैसे डॉक्टर को प्रोटोकॉल मिलता है और वो पूरे अपने उस ड्रेस में जाते हैं और अंदर ऑपरेशन थिएटर में, तो हमने ये छोटी सी कोशिश की। हम यहाँ पर बिलाल को बुलाएंगे और मैं चाहूँगी कि आप लोग उनको बहुत प्यार और बहुत खुलूस से यहाँ पर बुलाएं, लेकिन उससे पहले बिलाल के जो डॉक्टर हैं इंडस हॉस्पिटल से, डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। डॉक्टर साहब, बिफोर वी कॉल बिलाल हियर, मैं चाहती थी कि हम उससे पहले ही थोड़ी उसकी बीमारी डिस्कस कर लें, बिकॉज वो आएगा तो हम फिर मज़े मज़े की बातें करेंगे। सो आप कुछ बताइए कि बिलाल किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं इस वक्त? बिलाल पैदा जब हुए थे तो इनका पेशाब का जो मसाना होता है वो कुदरत ने पूरी तरह से नहीं बनाया, ब्लैडर जिसको कहते हैं, तो उसकी वजह से इनको पेशाब का मसला था। बचपन में इनके एक आध ऑपरेशन हुए मगर उससे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें काफ़ी गीले रहते हैं तो पैम्पर पहनना पड़ता है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो ये जो है खुर्रम एजेंसी से कहीं से किससे इनका ताल्लुक है। ये फिर यहाँ कराची आए, इंडस हॉस्पिटल में दिखाया मुझे, मैं बच्चों के गुर्दे मसाने का सर्जन हूँ वहाँ पे, तो इनका हमने एक ऑपरेशन किया है जो अभी रिसेंटली हुआ है, और उसका भी कुछ काम बाकी है जो चल रहा है, तो उसमें इनका मसाने को फिर बड़ा करके उसको ऐसा बनाया गया है कि इनको पेशाब हर वक्त लीक ना करे और ये उसको फिर खाली भी कर सकें। और बट अभी भी सर्जरीज, अभी कुछ थोड़ा सा इसमें काम बाकी है तो ये है। उसके दौरान में है, बट वी कैन होप कि ये बेटर जी इंशाल्लाह सब चीज़ें हो जाए सही, तो ये फिर खासी नॉर्मल हद तक, जाहिर है बिल्कुल उस तरह तो नहीं जो कुदरत ने दिया था, नहीं होगा, बट काफी मगर, हद तक मगर कम से कम हर वक्त पैम्पर नहीं पहनने की जरूरत पड़े, हर वक्त गीला ना रहे, सूखा रहे, सब चीज़ें कर सके। नॉर्मल डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उसमें बड़ा मसला होता है। जी हाँ। लेकिन आपको ये सोच के कैसे लगा कि ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर? वेल अच्छी बात है, इससे मुझे ये लगा कि जब ये अस्पताल अच्छे खासे इसने हमारे पास दो हफ्ते गुजारे, दो तीन हफ्ते में, जाहिर है ये या तो इसमें पहले से ख्वाहिश थी या वहाँ पे देख कर वो ये मुमकिन है कि जी मुमकिन है कि इसको लगा कि जी ये एक आइकॉनिक चीज़ है या उसे यू नो थैंक यू ज़फ़र ज़ैदी साहब, हम आपसे भी और भी बात करेंगे, बट लेट मी फर्स्ट कॉल जो हमारे बहुत प्यारे नन्ही सी ख्वाहिश के आज मेहमान हैं बिलाल, और उनके दादा भी यहाँ पर मौजूद है, तो आप सब की बहुत सारी तालियों में अब बिलाल नहीं डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर बिलाल यहाँ पर आ गए हैं भाई। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर बिलाल, अस्सलामु अलैकुम। I wanted to meet you कब से, मैं मुझे भी ना इस वक्त सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कि डॉक्टर बिलाल से थोड़ा अपना इलाज करवाऊँ। इधर आ जाओ डॉक्टर बिलाल, आप अपने सीनियर डॉक्टर डॉक्टर ज़फ़र के साथ बैठ जाओ। क्या हाल है बिलाल, ठीक हो? हाँ अच्छा, आप पठान हो क्या? कुछ तो आती है पुख्तों पोएगे, पुख्तों की खबर क्या है सरा खान संग पर डॉक्टर जोड़ेंगे, गुस्से वाला डॉक्टर जोड़ेंगे या अच्छा वाला डॉक्टर पे जोड़ेंगे? अच्छा वाला। अभी मैंने से पूछा कि गुस्से वाले डॉक्टर बनना चाहते हो या अच्छे वाले डॉक्टर, तो कह रहे नहीं मैं अच्छा वाला डॉक्टर बनना चाहता हूँ। संग एक्सपीरियंस उस साल था इंडस हॉस्पिटल के पेशेंट्स हुआ था सचक्रल बुखार चेक को सचेको था सीना चकड़ा खुद जमाम लग उगरा से बुखार खोना दे माता से बुखार चेक का बुखार खोना दे सही है माँ चलो ठीक दे भैया। मैंने पूछा मुझे बुखार तो नहीं हो रहा, चेक करके उसने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है, कोई बुखार नहीं है, रोज़े रखने हैं सारे आपने, ठीक है सर आपका जैसे हुक्म। अच्छा तो बिलाल मुझे ये बताओ कि अब जब डॉक्टर तो बन ही गए हो तो अब किस किस का इलाज करना है, बच्चों का या बड़ों का? बच्चों का इलाज करना है, बच्चे तंग तो नहीं करेंगे? हाँ नहीं, बच्ची देर तंग अवल गई दे मशरान हो इलाजों का है ना, मैंने कहा बच्चे बहुत तंग करते हैं बड़ों का करो इलाज है ना, तो दा डॉक्टर गुस्से वाला को ना दे डॉक्टर ज़फ़र ना अच्छा डॉक्टर देगा ना है ना, खा डॉक्टर दे अच्छा जी। चलिए डॉक्टर ज़फ़र मुझे अब ये बताएं कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह सही होना है, बिल्कुल ज़बरदस्त ठीक होना है ना, हिम्मत है ना पूरी? बहुत सारे लोग बीमार होते हैं पता है बिलाल,
और फिर वो डॉक्टर्स होते ही इसलिए कि उनको ज़बरदस्ती करना, फिर डॉक्टर जफर जैसे जब डॉक्टर इतने ज़बरदस्त डॉक्टर्स जो इतने एक्सपीरियंसड हों और इतना अच्छा दिल रखने वाले डॉक्टर्स हों, फिर तो सब ठीक हो जाता है, है ना। अब और कोई ख्वाहिश तो नहीं है, बस डॉक्टर बनना था बन गए। अब जब पक्के वाले ठीक हो जाओगे ना, फिर सही वाली पढ़ाई करके डॉक्टर बनना, जितना इन्होंने पढ़ा है। बहुत पढ़ाई होती है, पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ना पड़ता है इतनी मोटी मोटी बुक से, है ना। हाँ स्कूल याद राजी था तो स्कूल तब अजय दोबारा हाँ स्कूल के दोस्तान उसका नौ दोस्तान वाले हाँ। मैंने कहा स्कूल याद आ रहा है तो कह रहा हाँ याद आ रहा है, तो मैंने पूछा स्कूल में दोस्त है तो कह रहा नहीं है दोस्त, जस्ता दोस्त है माखा दोस्ती ऐसे वाली दोस्ती, ये दोस्ती हो गई हमारी। अब अगर कोई तुम्हें कुछ तंग करे या तुमसे दोस्ती नहीं करे तो मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी, मुझे फ़ोन करना, कहना ये जियो पे आती हूँ, ये मेरी दोस्त है। अच्छा मुझे कोई दोस्त चाहिए भी नहीं क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओके ठीक हो गया हाँ। मैं चाहती हूँ मुफ्ती साहब अगर आप यहाँ पर आ जाएँ, इसके सर पर हाथ रख लें, और अलामा साहब आप वहीं से दुआ करवा दें अगर बच्चे के लिए, हम सब पूरी ऑडियंस मिल के यहाँ पर दुआ करेंगे ताकि बड़े होके वाकई डॉक्टर बने ना, है ना। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह करीम, हम तेरे बंदे हैं, तेरी मखलूक हैं, तेरे सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। हमारे अंदर जो कोताहियां हैं कमज़ोरियां हैं तुझसे ही इल्तिजा करते हैं। मौला इस बच्चे को भी सेहत दे दे, आमीन। जितने भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनकी वजह से परेशान, मौला उन बच्चों को सेहत अता फरमा, आमीन। तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं मौला, ये दुख जो है ये राहत से बदल दे, इनको खुशियाँ अता फरमा, ज़िंदगी की नेमतें अता फरमा, हम सब की कोताहियाँ मुआफ़ फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही व सल्लम अजमाईन बिरहमतिका या अरहम। और मेरा जो प्यारा दोस्त बिलाल है ना यहाँ पर, तो बिकॉज़ ही हैज़ टू कैरी अ बैग, लेकिन यह है कि उसके बावजूद जितनी हिम्मत हौसले और खुलूस के साथ और जितनी मुस्कुराहट के साथ ये बात करता है, मेरी तरफ़ से इसकी हिम्मत को सलाम। और अल्लाह के सामने आप सब ने जो दुआ की है और कीजिएगा ताकि मेरा एक छोटा जो बहुत प्यारा भाई है ये और जल्दी से ठीक हो जाए, और फिर अगली रमज़ान ट्रांसमिशन में ना बिलाल बिल्कुल सेट होकर यहाँ पर आएगा, ठीक है बिलाल। और ये अभी तुमने नहीं भूलना कि कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड, क्या नाम है मेरा, राबिया अनम, बोलो मेरा बेस्ट फ्रेंड है राबिया अनम, बेस्ट फ्रेंड है राबिया अनम, नहीं और सही से बोलो, अब आवाज़ आए, मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है, राबिया अनम, यस बिलाल की बेस्ट फ्रेंड है राबिया अनम। तो अब इसको किसी बेस्ट फ्रेंड की और ज़रूरत नहीं है, हम दोनों फ़ोन पे बात कर लिया करेंगे, जब कोई तंग करे तो मुझे बताना, और जब मिलना हो मुझे बताना, मैं खुद आ जाऊँगी तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ भी होगे और कुरम एजेंसी में भी होगे तो कुरम एजेंसी आ जाऊँगी, तो मुझे तो पश्तो आती है ना, मैं तो आ जाऊँगी जल्दी से खुद से, है ना, ठीक है। चलें जी, बहुत सारी तालियाँ डॉक्टर बिलाल के लिए। और डॉक्टर जफर साहब आपको बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। अच्छा आप क्योंकि तुमने और हमसे कोई ख्वाहिश नहीं की इसलिए हम तुम्हें वैसे ही यूनिका चिप्स, अबीरो नूर, पिकासो और सुपरस्टार की जानिब से सारे जो गिफ्ट्स पड़े ना ये सब तुम्हारे हैं, ये तुम घर लेके जाना। डॉक्टर जफर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, और अल्लाह ऐसे ही आपके हाथ में शफा रखे, और बच्चे और जितने लोग हैं वो आपके हॉस्पिटल से जब निकलें सहतियाब होकर निकलें। इंशाल्लाह 10-15 साल बाद हो सकता है कराची में क्लिनिक के बाहर आप देखें डॉक्टर बिलाल लिखा हो, तो वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, जितने बच्चे भी मुझे देख रहे हैं ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये डॉक्टर बिलाल का क्लिनिक हो सकता है, और फिर ये आपका ज़बरदस्त इंशाल्लाह इंशाल्लाह इलाज करेंगे। जिस डॉक्टर बिलाल को इस उम्र से ही इतनी दुआएँ मिल रही हों वो फिर इतना ज़बरदस्त आप लोग का इलाज करें, कितनी शिफा होगी उनके हाथ में। ये हमारी आज नन्ही सी ख्वाहिश के मेहमान थे।